स्प्लेंडर प्लस 2023-22 जो भी BS6 स्प्लेंडर है आपके पास, अगर आप स्प्लेंडर प्लस बाइक यूज़ करते हैं और माइलेज की वजह से आप परेशान हो गए, जैसे इसका माइलेज 65-60-50 प्लस माइलेज देगा, अगर मार्केट में भी घूमिएगा तो 50 प्लस उससे भी कम आपका माइलेज और एवरेज ख़राब है, तो आपको क्या क्या करना है इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि क्या करेंगे तो माइलेज ठीक हो जाएगा। माइलेज ठीक करने के लिए आप घर पे भी कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा इजी वे होता है। माइलेज हमको ठीक करने के लिए मेरे पास तीन चीज़, गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको तीन चीज़ सही रखना है। पहला हो गया फिल्टर, दूसरा हो गया प्लग और तीसरा हो गया ये थ्रॉटल बॉडी। ये थ्रॉटल बॉडी भी अगर गंदा हो जाएगा, जैसे पहले कार्बोरेटर आते थे अब कार्बोरेटर की जगह थ्रॉटल बॉडी होते हैं, तो थ्रॉटल बॉडी ऐसे भी आपको तुरंत नहीं होते हैं ख़राब, या तो तुरंत कारवन नहीं लगते, कम से कम 12,000 किलोमीटर के बाद ही थ्रॉटल बॉडी को क्लीन किया जाता है, उसमें कार्बन जम जाते हैं, उससे भी आपको एवरेज ख़राब हो जाएगा। तो आपको अगर एवरेज ख़राब हो गया तो आपको क्या करना है, इधर इस साइड आपको पैनल दिख रहा है, इसमें एयर फिल्टर होता है, उसे आपको देख लेना है एयर फिल्टर चौक तो नहीं हो गया है। अगर चौक हो गया है तो एयर फिल्टर को चेंज ही कर दे, ये गाड़ी में ज़्यादातर एयर फिल्टर चेंज होता है। दूसरा बात, इसमें जो एयर फिल्टर लगा होता है उसे आपको लोकल एयर फिल्टर नहीं परचेज करना है। लोकल फिल्टर अगर आप परचेज करेंगे अच्छा दिखेगा, लेकिन उससे क्या होगा, डस्ट और धूल जाएगा यहाँ थ्रॉटल बॉडी के, यहाँ के माध्यम से थ्रॉटल बॉडी में जाएगा, जो कि हवा के माध्यम हवा लेता है, उस रास्ते से यहाँ जाएगा, वो थ्रॉटल बॉडी को भी ख़राब कर देगा और कार्बन लग जाएगा। इसलिए कभी भी परचेज करें जेन्युइन फिल्टर, लोकल फिल्टर नहीं परचेज करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि घर पे ही आपके पास गाड़ी में टूल होता है, उससे आप ये होता है प्लग, प्लग को खोल ले, पहले खोल के देखें कि इसका गैप कटा है कि नहीं, अगर गैप कट जाएगा तो कैसा दिखेगा। दूसरी, प्लग लीड को भी टाइट करें, जैसे ये ढीला रहेगा तो आप पानी पड़ेगा तो इसमें पानी चल जाएगा, उसके वजह से प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम करेगा, जैसे भकभकाने लगेगा, ये सब देख ले प्लग लीड। उसके बाद हम प्लग खोलते हैं, देखते हैं इसका गैप कैसा होना चाहिए। तो गाइस पहले प्लग खोल लेना था, ये मेरे पास प्लग खुल गया, देखिए प्लग खोलने के बाद ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट वाइट होना चाहिए, अगर वाइट है तो आपका एवरेज बहुत अच्छा दे रहा है, ये पॉइंट है जो वाइट है तो आपको एवरेज बहुत अच्छा दे रहा है। ये है मेरे पास इसका प्लग, जैसे देखिए इसका गैप और पॉइंट है ऐसा होना चाहिए, आने वाला प्लग है मेरे पास, इसका गैप आप देख सकते हो दिख रहा है, इसका गैप इतना जो है ना पॉइंट निकला हुआ है, ये पॉइंट रहना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है, करंट देते देते इसका पॉइंट जो है ये वाला कट जाता है और इसका ये कट जाता है, पॉइंट कट जाएगा तो प्लग स्पार्क प्लग कभी पॉइंट कट जाएगा तो प्लग आपको कभी भी शॉर्ट हो सकता है। अगर एवरेज ख़राब हो जाएगा तो जो वाइट आपको घुंडी दिख रहा है वो वाइट नहीं रहेगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि प्लग अगर ख़राब हो गया तो पहले तो पॉइंट कट जाएगा, तो कटने के बाद देखिए इसमें कितना पॉइंट बिगा हुआ है, जो दिख रहा है वो पॉइंट ऊपर में है, इतना पॉइंट होता है, पुराने प्लग में देखिए पॉइंट कितना कम हो जाता है, इसमें आपको पॉइंट नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा पॉइंट दिख रहा है, जो कि ये प्लग पुरानी बाइक की है और ख़त्म है, इसका पॉइंट ख़त्म हो गया है, तो कभी भी प्लग शॉर्ट कर सकता है, पॉइंट ख़त्म हो जाता है तो ये ऊपर आ जाता है, इसकी वजह से भी शॉर्ट कर जाता है। अगर प्लग शॉर्ट कर गया, आप बीच रास्ते में फंस गए, तो इसका भी एक उपाय है, ये गैप को सीधा करें और वो वाइट वाला दिख रहा है उसको फोड़ दें, फोड़ के लगा देने से गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाई चांस आप फंस गए यहाँ पे जहाँ से आप गाड़ी लेके नहीं निकल सकते, तो प्लग में भी एक उपाय है, बट हम माइलेज के लिए बता रहा हूँ, प्लग अगर नया ऐसा स्थिति हो गया प्लग हो तो सीधा नया डाल दें, ठीक है। तो ये प्लग नहीं है, वाइट गैप है, तो इसका एवरेज बहुत अच्छा दे रहा है, अगर गैप वाइट से ब्लैक हो जाएगा, काला कार्बन इसमें भी लगने लगेंगे तो समझिए कि माइलेज कम दे रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसे कस देते हैं, उसके बाद एयर फिल्टर चेक करेंगे। तो गाइस प्लग कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरा चीज़ देखेंगे, प्लग तो कंप्लीट हो गया, प्लग में क्या करना है और कितना गैप रखना है ये भी देख लिया आप लोग, अब उसके बाद हमको देखना है एयर फिल्टर, तो चलते हैं उस साइड, एयर फिल्टर होता है तो अब एयर फिल्टर खोल के देखेंगे, एयर फिल्टर कैसा हो जाएगा तो आपको चेंज करवाना ज़रूरी है। तीन साइड आपको एयर फिल्टर आता है, एयर फिल्टर के लिए आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे एक पेच रहती है, उसे आप घर पे भी खोल सकते हैं, आपको पास टूल्स होगा पेच होगा तो, ऐसे गाड़ी में कंपनी प्लग और पेचकस देती है, तो इसे खोलेंगे पहले।
पेचकस से पहले पैनल को खोल लेना है। तो कुछ इस टाइप से आपको पैनल खोल लेना है। पैनल खोलने से पहले आपको इस टाइप से करना है, यहाँ पे देखिए डोर होता है, इसको पीछे की ओर पुश करना है। अगर पहली बार आप पैनल खोल रहे हैं तो ये जो पैनल है ऐसे लॉक होता है, इसको पीछे की ओर ऐसे करके करना है। जैसे यहाँ पे लॉक, इस लॉक में ये लॉक फंसा हुआ रहता है पैनल का, तो अगर बरियरी खींचेंगे तो आपका लॉक चेंज होता है, सीधा चेंज होता है। अगर आपको माइलेज में प्रॉब्लम है तो ये फिल्टर साफ ना करवाए, हवा मारेंगे तो आप और जस्ट होता है कचरा होता है वो और अंदर चल जाएगा, इसके वजह से सीधा आपको चेंज करवाना ही अच्छा रहेगा अगर एवरेज ख़राब हो गया है। ये फ़िल्टर का 6 से 7 हज़ार किलोमीटर लाइफ है, उससे ज़्यादा आपका फ़िल्टर नहीं चलेगा। एवरेज अगर सही है तो आप फ़िल्टर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन खुलवा के देख ले अगर ज़्यादा गंदा हो गया तो सीधा चेंज करवा ले। तो चलिए हम फटाफट फ़िल्टर खोलते हैं। तो गाइस ये जितनी भी नई गाड़ी आई है स्प्लेंडर, BS6 और जितनी भी BS6 बाइक आए उसमें सीधा नोटिस का एक लेवल चिपका दिया है, डू नॉट ऐड एयर क्लीनर। आप ये फ़िल्टर में हवा नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टिकर कंपनी पहले ही आपको दे देती है, इस फिल्टर में आप एयर यूज़ नहीं कर सकते। एयर यूज़ करेंगे तो जितना ही आप हवा मारेंगे वो कचरा और अंदर ही चल जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो हम इसका फ़िल्टर खोल के देखते हैं कैसा इसका फ़िल्टर रहता है। देखिए कुछ इस टाइप से आपको एयर फिल्टर रहेंगे, तो ये अभी नई एयर फिल्टर है। अगर पुराने हो जाएंगे तो देखिए कुछ इस टाइप से आपको एयर फिल्टर दिखेगा, कुछ इस टाइप से देख रहे हैं इसका फ़िल्टर कितना चौक हो गया, ये फ़िल्टर ख़त्म हो गया। हवा मारेंगे तो जाके यहाँ पर जितना है कचरा बैठ जाएगा, इसलिए आपको जैसे ही ऐसा ये फ़िल्टर हो गया, पुराने वाले फ़िल्टर हैं ये सब, अगर ख़राब है ऐसा हो गया है तो आप फ़िल्टर सीधा चेंज करें। इस फ़िल्टर का 6 से 7 हज़ार किलोमीटर लाइफ है, अगर फ़िल्टर सही रहेगा तो आपको एवरेज बहुत अच्छा देगा। तो हमेशा आप फ़िल्टर और प्लग और टोटल बॉडी की बात कर रहे हो तो कैसे हम बोल बता रहे हो, पहले टोटल बॉडी में 12,000 किलोमीटर से पहले कोई कचरा नहीं आता। अगर 12,000 किलोमीटर चल गई है तो एक बार टेक्नीशियन और मिस्त्री को बोलिए जहाँ पे आप सर्विस कराते हैं कि इसे खोल के टोटल बॉडी को खोल के एक बार साफ़ कर दीजिए, ऑटोमेटिक एवरेज सुधर जाए। ये है न्यू फिल्टर, ऐसा रहेगा कुछ न्यू फिल्टर ओरिजिनल। तो गाइस कुछ इस टाइप से अगर आपका एवरेज ख़राब हो गया है तो कर ले, घर पे भी कर सकते हैं, फ़िल्टर और प्लग कर लेंगे तो आपका एवरेज बिल्कुल सही होगा। फ़िल्टर खोलने के बाद देखिए स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से करें,